में काफी चर्चा कर गए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और जाते जाते योगी और मोदी को भी कोस ले। लेकिन योगी और मोदी जी का इलाज किसी को नहीं मिल रहा। कितनी भी राजनीतिक पार्टी है, सभी घबराई हुई है जो पुरानी पार्टी है, क्योंकि सभी के पास अच्छे वाला माल है और वो उन्हीं को ढूंढ रहा है, माल वालों को। जो भी कोई नेता बोलता है उसके पीछे सीबीआई लगा देता है। एक बंद तो मुझे भी दिखाई दिया योगी का, मोदी का। मैंने बहनों के बीच में कई बार कहा, खैर बड़ी ताली बजाती थी बहनों को सुनने के लिए, यहाँ कहने की वाली बात भी नहीं है वो। चलो दूसरी बात बता देता हूं। एक बार ऐसा हुआ कि एक रास्ते में कबूतर और कबूतरी चुग रहे थे, तो उसी रास्ते से एक व्यक्ति बुजुर्ग हाथ में डंडा लिए हुए, बैत लिए हुए आ रहा था। कबूतरी कहने लगी कि कोई महापुरुष आ रहा है। कबूतर कहने लगा कि ये मुझे कोई अच्छा आदमी नजर नहीं आ रहा, जो इसकी चाल ढाल है, जो लक्षण है, वो मुझे अच्छे नजर नहीं आ रहा, यहां से उड़ ले। कबूतरी कहने लगी मैं नहीं, दर्शन करके ही जाऊंगी। ठीक है भाई, जिद करगी कबूतरी। दोनों दाना चुगते रहे, उस महापुरुष पर निगाह रखी। जैसे ही वो कबूतर के पास आया, हाथ में एक छड़ी थी, बैग थी, कबूतर के पास आते ही इस तरह से मारी और वो कबूतर के जाले। कबूतर के बैत लगते ही कबूतर मर गया। कबूतरी रोने लगी, चिल्लाने लगी, विधवा हो गई। 10-5 कबूतर शोर सुनकर के वहां और आ गए कि भाई क्या बात हुई, नुके जी इसने मेरा पति मार दिया और मैं धोखे में आ गई, मैंने इसे महापुरुष समझा था कि भाई चलो राजा बहुत अच्छा, राजा के पास चलते हैं, शायद कुछ न्याय मिल जाए। राजा के पास पहुंचा, राजा को सारी कथा सुनाई कबूतरी ने कि इस तरह से मैं इसके धोखे में आ गई और इसने मेरा पति मार दिया। राजा समझदार था, कहने लगा कि कबूतरी हम आपको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। राजा ने उस व्यक्ति को बुला करके पूछताछ करी, उस व्यक्ति का दोष सिद्ध हो गया कि उसी ने ही कबूतर को मारा। राजा कहने लगा कि कबूतरी इसने ही तेरा कबूतर मारा है और ये बकार गया है, ये दोषी है, तेरा अपराधी है, और जो भी तू सजा चाहे सजा तू देगी, क्योंकि तेरा ही अपराधी है। कबूतरी चक्कर में पड़ गई कि अब तो सजा भी मुझे दे दी, क्या सजा दे। कबूतरी ने बहुत देर सोच समझे कहा कि जी मैं ऐसा आजीवन कारावास देना नहीं चाहती। नुका क्यों? नुका ये वहां रहेगा, इसके बच्चे यहां भूखे मर जाएंगे, मुझे क्या लाभ होगा। नुका तो और चुन ले, फांसी दिवा दे। नुका यो मर गई तो वो भी विधवा हो जाएगी, मैं तो होगी, मैं अगली जगह घर क्यों बिगाड़ू। नुका तो अब यो बता सजा क्या देनी है, सजा तो तुम्हें देनी है। नुका महाराज यदि वास्तव में सजा देनी चाहो तो मेरे कैसे एक काम कर दो। नुका बता जो तू कहेगी वही करूंगा। नुका ये जो महापुरुष था, मैं इसके धोखे में आ गई, सफेद कपड़े पहना के थे, ऊपर से नीचे तक, चोटी से लेकर जूते तक, तो महाराज मैं धोखे में आ गई, कोई और धोखे में ना है, बस इसका जो सफेद लिबास है ये होता। तो मेरा भी आप लोगों से कहना है कि इनका कुछ नहीं करना, ना योगी का, ना मोदी का, ना ढोंगी का। ये जो चोला पहन रखा आने वाली 2019 में, बस ये इनका चोला उतार लो, इनका इलाज अपने आप हो जाए। आने वाले समय में चाहे किसी को जिता लो, लेकिन इन्हें मत जिताना, इनका व्यवस्था इंतजाम अपने आप हो जाएगा।